नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमेश श्रीवास्तव और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसा कि मेरी आप लोगों को कमिटमेंट रहती है कि हर फ्राइडे मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके आता हूं, तो लीजिए आज आप लोगों के बीच में मैं लेके आया हूं एक न्यू टॉपिक। अभी टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपको नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट या नॉर्मल LIC एजेंट से एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट, एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर के रूप में एस्टेब्लिश कर देगा। इससे पहले कि मैं ये सॉल्यूशंस आपको बताऊं, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं और ध्यान से सुनना और सोचना उस सवाल को। हम जब भी ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट बनाते हैं, मैंने कई बार अपने सेशंस में, अपने प्रोग्राम्स में या फिर कहीं पे भी, अगर YouTube चैनल की भी बात करें तो YouTube वीडियोस में एक बात बोली है। क्या बोला है कि ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट बनाओ और ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट से हर 15 दिन में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या हफ्ते में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को भेजो। यस और नो? यस। अब वो आप इंफॉर्मेशन भेजते हो, क्वेश्चन ये है कि आप इंफॉर्मेशन भेजते क्या हो? क्या भेजते हैं हम? सीधा सिर्फ LIC से रिलेटेड, LIC से रिलेटेड, LIC ने ये किया, LIC ने वो किया, LIC ने इतने का डिविडेंड का चेक दिया, LIC के चेयरमैन ने ये किया, ये सारी चीजें हम भेजते हैं। सोच के देखिए कि कहीं इन सारे मैसेजेस से हम सिर्फ एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट की इमेज तो नहीं क्रिएट कर रहे? क्या क्लाइंट को सिर्फ ये तो नहीं लग रहा कि हम तो सिर्फ LIC का काम करते हैं? क्या क्लाइंट को ये तो नहीं लग रहा कि बाकी जितने भी LIC एजेंट मार्केट में है उनकी तरह आप भी हैं? तो आपकी एक डिफरेंट इमेज कैसे बनी या कैसे बनेगी? तो आइए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं और इसके सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, आप सिर्फ और सिर्फ LIC के मैसेज भेजेंगे ना, और ज्यादातर ट्रेनर्स ने, ज्यादातर लोगों ने, ज्यादातर हमारे जानकारों ने, हमारे सीनियर्स ने हमें एक ही बात बता दी कि हमारे को LIC से रिलेटेड चीजें भेजनी है और हमारे पास उसके अलावा कुछ होता भी नहीं है। मैं कई बार अपने सेशंस, मेंटरशिप प्रोग्राम में मैंने बात की तो उन्होंने मुझे बोला, सर उसके अलावा क्या भेजें, समझ ही नहीं आता। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून आप मना करते हो, फेस्टिवल्स आप मना करते हो, डिफरेंट तरह के जो ग्रीटिंग्स होते हैं वो आप मना करते हो, क्योंकि मैं मना करता हूँ ये सारी चीजें भेजने के लिए, तो भेजें क्या? तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इसका एक सॉल्यूशन देने वाला हूँ, एक ऐसा सॉल्यूशन जो आपको एक नॉर्मल LIC एजेंट से प्रोफेशनल कंसल्टेंट में कन्वर्ट कर देगा क्लाइंट्स की नजर में। क्या कीजिए, सबसे पहले जाइए कुछ स्पेसिफिक, मैं आपको वेबसाइट्स के नाम बता देता हूँ। आप मनी कंट्रोल पे जा सकते हैं, आप ET पे जा सकते हैं, आप CNBC आवाज पे जा सकते हैं, या आप पैसा बाजार.com जैसी वेबसाइट्स पे भी जा सकते हैं। अब ये जो वेबसाइट्स हैं, आपको कुछ करना नहीं है, इनके रेफरेंसेस नहीं देने, पर इनसे न्यूज उठानी है। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये फाइनेंशियल डोमेन के अपनी जितनी भी न्यूज होती है उन सारे के सारे न्यूज को फ्लैश करते रहते हैं, रेगुलर बेस पे अपडेटेड जो न्यूज आते रहती है, आज ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। आपको क्या करना है, पूरे हफ्ते नजर रखनी है। दिन में सिर्फ 5 मिनट के लिए इन वेबसाइट पे जाइए, 10 मिनट के लिए इन वेबसाइट पे जाइए और जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज हो ना उनको कॉपी पेस्ट करके रख लीजिए। पूरे हफ्ते आपको यही करना है और पूरे हफ्ते की जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो ना उसको कॉपी पेस्ट करके एक छोटा सा, बहुत थोड़ा सा एक आपको ब्रॉडकास्ट मैसेज बना देना है। वो ब्रॉडकास्ट मैसेज आपको सारे के सारे क्लाइंट को भेज देना है। अच्छा, अब ये सोचो अगर आप अपडेटेड ऐसी इंफॉर्मेशन क्लाइंट को भेजोगे तो उनके माइंड में क्या आएगा? दोस्तों उनके माइंड में आएगा कि आप सिर्फ LIC का काम नहीं करते, आप एक कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानर हो, फाइनेंस रिलेटेड जितनी भी न्यूज है वो आप उसमें अपडेटेड है और आप उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी भेजते रहते हैं। अब क्लाइंट के दिमाग के किसी कोने में चल रहा है फाइनेंस के आदमी है, फाइनेंस के आदमी है, फाइनेंस के आदमी है, और जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आएगी तो भले उन्हें म्यूचुअल फंड लेना हो, भले उन्हें इक्विटी लेनी हो, भले उन्हें मेडिक्लेम लेना हो, भले उन्हें गाड़ी के इंश्योरेंसेस कराने हो, भले उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, भले उन्हें लाइफ इंश्योरेंस लेना हो, सारी चीजों के लिए वो किसको अप्रोच करेंगे? आपको अप्रोच करेंगे। अच्छा, क्लाइंट ने एक बार आपको अप्रोच कर ली तो मैंने आप लोगों को इतना अपने YouTube वीडियो में इतनी चीजें बताई हैं, FD RD वाला जो वीडियो है या फिर लाइफ इंश्योरेंस वर्सेस म्यूचुअल फंड वाला जो वीडियो है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है। ये इंफॉर्मेशन को उठाइए और उसके बाद सारी चीजों को प्रूव करते हुए आप लाइफ इंश्योरेंस को उन्हें लेके आ सकते हैं और एट द एंड ऑफ द डे आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल हो सकती है। पर होगी कब? होगी तब जब वो आपको एक LIC एजेंट नहीं देखेंगे, अदरवाइज उनके दिमाग में रहेगा कि यार ये तो सिर्फ LIC का काम करते हैं, हमें फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए किसी और के पास जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो हमेशा याद रखें, इन सारी की सारी वेबसाइट के रेफरेंसेस मैंने आपको दे दिए, क्यों? क्योंकि इनसे आपको रेगुलर बेस पे अपडेटेड नॉलेज मिलती रहेगी। वरना क्या होता है, आप उम्मीद करते हैं कि सुमित सर कुछ भेजें, आप उम्मीद करते हैं कि कोई और कुछ भेजे, आप उम्मीद करते हैं कि कहीं से कोई इंफॉर्मेशन आ जाए। मैं आज आप लोगों को एक ऐसा सॉल्यूशन देने वाला दिया है मैंने ये, कि जिससे आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे।
आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं रहेगी। और यही मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम का विजन है कि वहां पे भी हम यही बोलते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि आप रेगुलर 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 हमसे ट्रेनिंग लेते रहें। हम ये चाहते हैं कि आपको हम इतना मैच्योर बना दें, ऐसे सिस्टम में डाल दें, सारे के सारे टूल दे दें और उसके बाद पूरी जिंदगी के लिए आप इंडिपेंडेंट हो जाएं। यही विजन लेके आज ये वीडियो मैं लेके आया हूँ दोस्तों। और जो जिन दो वीडियोस की मैंने बात की वो भी मैंने रेफरेंसेस में डाल दिए हैं, इन्हें जरूर देख लीजिएगा। और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से आपको बहुत बेनिफिट मिले और आप लोगों की नज़रों में एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन जाएं। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं सुमित श्रीवास्तव आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।